और मैं उन्होंने दर्शाया तो राजा रघुगण ने देखा ये ज्ञान की चर्चा को प्रकाशित करने वाला कोई साधारण व्यक्ति तो हो नहीं सकता। जो शरीर को नाश्वर मानता है, एक वह उन पालकी से नीचे उतर करके आए और पालकी से नीचे उतर करके आज उनको प्रणाम किया है, हाथ जोड़ करके वंदन किया है। मुनिवर नमो नमः कारण विग्रहाय स्वरूपम तुच्छीकृत विग्रहाय। हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि वंदन करता हूं। हे ब्राह्मण, आप ईश्वर के स्वरूप में देह आदि को तन कर रहा हूं, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। भगवान मुझे आप क्षमा करें, लेकिन आज क्षमा याचना वंदन करने के बाद में राजा रघुगण ने बहुत अच्छी तरह से विनम्रता के साथ में एक प्रश्न किया। हे गुरुवर, आपने कहा ये शरीर और आत्मा का कोई संबंध नहीं है, तो आप मुझे यह बताएं, एक चूल्हे पर एक बटलोई रखी हुई है और उस चूल्हे में आग जलाई जा रही है और जलती हुई अग्नि पर बटलोई रख कर कि उसमें पानी डाल दिया जाए तो वह गर्म हो गया है। अब उस गर्म पानी में, उबलते हुए गर्म पानी में चावल दूध चीनी डाल दी जाए तो गुरुदेव खीर बनेगी या नहीं बनेगी, आप मुझे इतना बताएं। जलभरत जी महाराज ने कहा उबलते हुए जल में पानी में अगर चीनी चावल दूध डालोगी तो खीर बनेगी, सीधी सी बात है। लेकिन आपने कहा कि शरीर में रहते हुए भी आत्मा निर्विकार है, क्यों कैसे? जड़बर जी ने कहा राजन एक प्रश्न मैं भी आपसे करता हूं। जिस बटलोई पर आपने जिस चूल्हे पर आपने बटलोई रखी है और उस बटलोई में जो पानी डाला है ना, उस पानी को और गर्म करो और गर्म करने के बाद उसमें और अग्नि जलाओ और फिर उसमें चीनी दूध चावल की जगह कंकड़ पत्थर डाल दो, क्या पक जाएंगे? राजा रघुगण ने कहा वह कैसे पक सकते हैं, वह कैसे खीर बन सकती है? खीर तो चीनी चावल दूध डालने से बनेगी। जड़ब्रत जी महाराज ने कहा मेरा मन विषयों से विरक्त है राजन, इसलिए कंकड़ और पत्थर डालना चाहता है। जितेंद्री है वैराग्यवान है, तेरा जो मन है ना यह दूषित है, यह विषयों में आसक्त है, इसलिए खीर खाने का के लिए ललचा रहा है, खीर खाने को चाह रहा है, इसलिए चावल दूध चीनी डाल रहा है तू उसमें और खीर पका रहा है। लेकिन मेरा मन विरक्त है, वैराग्य है, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है, मैं जितेंद्रिय हूं, इसलिए मेरा मन कदापि परे है, कंकड़ पत्थर डालना चाहता है, कंकड़ पत्थर खाना चाहता है। ऐसा अद्भुत रूप देख करके आज ऐसा लग रहा है, राजा रघुगण ने कहा भगवान मैं तो यह समझ रहा हूं कि साक्षात भगवान कपिल ही भेष बदल करके मुझे उपदेश देने आ गया और आप मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। गुरुदेव बड़ा सुंदर कहा है आज रघुगण से राजा से जड़भरत जी महाराज ने, राजन न सूर्यो ही व्यवहार मेनम तत्वाम से नम सहान मंती। लौकिक व्यवहार के सामने वैदिक व्यवहार सत्य नहीं होता राजन, उनसे यज्ञ आदि की पूर्ति तो होती है किंतु तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। हे राजा रघुगण, यह मन हाथी के समान बलवान है और इस मन रूपी हाथी को रोकने के लिए एक ही साधन की आवश्यकता है, गुरु ज्ञान रूपी तत्व रूपी भाव। जिस प्रकार बिगड़ा हुआ हाथी एक अंकुश रूपी अस्त्र से रुक जाता है, उसी प्रकार से यह बिगड़ा हुआ मन रूपी हाथी गुरु ज्ञान रूपी अंकुश के प्रताप से रुक सकता है, इसे रोका जा सकता है। इसलिए हमें गुरुजनों से तत्व ज्ञान की प्राप्ति करनी है और इंद्रियों को संयम करना है राजन।
और जब ये इंद्रियां संयम में आ जाएंगी, भगवान के भजन के द्वारा एक ही कार्य करना है हमें केवल, इंद्रिय मन के बस करे, मन कर बुद्धि के संग, बुद्धि राखे हर पद जहां, लागे ध्यान अमन। और राजन, इंद्रियों को मन के साथ जोड़ो, मन को बुद्धि के साथ में लगाओ, बुद्धि को भगवान के श्री चरणों में लगा दो तो जीवन का आधार बन जाएगा, कल्याण हो जाएगा। कबीरा, मन तो एक है चाहे जहां लगाए, या तो हर को भजन कर या फिर विषय कमाए। इस मन को परमात्मा में लगाओगे तो स्नेह प्राप्त करेगा, सरल बन जाएगा, आनंदित हो जाएगा यह। और विषयों में लगा दोगे तो नाना प्रकार के संकट जीवन में उत्पन्न हो जाएंगे। राजन, बहुत सुंदर ज्ञान अर्जित किया उन्होंने उनके साथ में। अतः बहुत सुंदर कहा है राजा रघुगण, मन का विषयों में आसक्त होना ही कर्म का बंधन होता है, और मन का विषयों से विरक्त होना मुक्ति का कारण बन जाता है। ये राजन, परमात्मा ही सत्य है, ब्रह्मा सत्य जगन मिथ्या यद वास देवम कवयो वदंती। इसलिए चाहिए जिज्ञासुओं पुरुषों को महापुरुषों के सत्संग के ज्ञान रूपी तलवार से मोह रूपी बंधनों को काट देना। हे राजन, मोह रूपी बंधनों को काट करके भगवान का भजन करो, उनकी लीलाओं को श्रवण करो, भगवान के मन में डूब जाओ, उन्हीं का चिंतन करो, उन्हीं के स्वरूप को पाओ। ये भवसागर से पार उतरने का एक सुगम और बहुत ही सरल साध्य केवल एक ही है संसार में, जिसके साधन के द्वारा आप भवसागर से पार हो सकते हो। और बड़ा सुंदर कहा है उन्होंने, हरे नाम हरे नाम एव केवलम। केवल एक ही साधन, एक ही साधन है भव सागर से पार उतरने का। उसके द्वारा ऐसे साधन रूपी नवका में बैठा जाए तो भव से पार हो सकता है जी। और वह है भगवान का स्मरण, भगवान का भजन, उनका हरि स्मरण करना। हरे नाम हरे नाम में केवलम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरार, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरार, हे नाथ नारायण वासुदेव, कलो नाश्य नाश्यव गतिरन्यथा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरार, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरार, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, कलो नाश्यैव नाश्यैव गतिरन्यथा। केवल हरि स्मरण के द्वारा ही कलयुग के पापों का नाश किया जा सकता है। केवल स्मरण करो, भगवान का ध्यान करो, भगवान का कीर्तन करो, सत्संग करो, उसके द्वारा हमारे नाना प्रकार के पाप नष्ट हो सकते हैं। यह साधन बड़ा सुलभ है, इसे भी छोड़ दिया जाए तो बेकार है। बड़ा सुंदर कहा है राजा परीक्षित सुखदेव जी ने, बड़ी अनन्य बात है, उनकी कृपा के द्वारा ही सर्वस्व होता है। तेरी सप्ता के बिना है प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं खिले न कोई फूल। उनकी कृपा के द्वारा ही सर्वस्व होता है, इसलिए उनके आधार से चलना प्रारंभ करो। और ऐसा अद्भुत ज्ञान अर्जित कराया राजा रघुगण, आज जड़ भरत जी से दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करके चले गए, उन्हें अपना गुरु बना करके और सद ज्ञान को प्राप्त किया। सुखदेव जी कह रहे हैं, आज
यह जड़ भरत जी ने भी परम तत्व ज्ञान की प्राप्ति कर रखी है और भगवान का भजन करते करते आज इन्होंने अपने आप को परमात्मा मय किया है। प्रेम से बोलेंगे गोविंद भगवान की जय हो, आनंद कंद भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, वो कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। ओ मुश्किल पड़े जो राह में, ओ मुश्किल पड़े जो राह में, तो काम आ सके कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, कर ले कमा
ले हाय तू तो कर ले भजन अपने भगवान का, तू तो कर ले भजन अपने भगवान का, हो तू तो कर ले भजन अपने भगवान का, तू तो कर ले भजन अपने भगवान का। कर छोला मिला है ये दसान का, कर छोला मिला है ये इंसान का, कर छोला मिला है ये दसान का, तू तो कर ले हाँ तू तो कर ले भजन अपने भगवान का, 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 तू तो कर ले भजन अपने भगवान। बांके बिहारी लाल की जय हो, सतगुरुदेव भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। आज बहुत ही सुंदर आनंदित भाव से परीक्षित जी महाराज को नरकों को के विषय में स्वामी सुखदेव जी ने वर्णन करना प्रारंभ किया है। राजा परीक्षित दक्षिण दिशा में 99,000 कोस की ऊंचाई पर नरकों का समागम है। और सुनो 28 प्रकार के नरक हैं, अनेक प्रकार के नरकों में दी जाने वाली यातनाएं, अनेक प्रकार के नरक जिनमें अनेक प्रकार की वासनाएं होती है। संसार में बहुत सुंदर बताया उन्होंने, एक तुम्बी पाक नाम का नरक है। और राजा परीक्षित जब संसार का जीव संसार में नाना प्रकार के जीवों को सता करके उन्हें पका करके खाता है, ऐसे लोगों के लिए वह नरक है, उस नरक का समागम है। और यहां से जब संसार से यह जीव जाता है तो उस नरक में उसे डाल दिया जाता है। वहां बड़े बड़े कढ़ाओं में गर्म तेल होता है और उसी में जीव को ले जाकर के पटक दिया जाता है और वह उसमें चिल्लाता है, तड़फड़ाता है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। लेकिन वहां कोई भी उसकी सुनने वाला नहीं होता, कोई भी अपना नहीं होता वहां पर, बस वह तड़फड़ाता रहता है, बेचैन होता रहता है, बस चीत्कारता रहता है। ना तो माता पिता भाई बंधु कोई भी सहायता करने वाला नहीं होता है। ऐसे अनेक प्रकार के नरकों में दी जाने वाली यातनाएं हैं राजा परीक्षित। लेकिन परीक्षित महाराज ने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, गुरुदेव मैं आपसे यह सुनना चाहता हूं कि नरकों में दी जाने वाली यातनाओं से कैसे बचा जाए, किस प्रयोजन से, किस प्रकार से नरक में जाने से बचा जाए। सुखदेव जी ने कहा जो पाप कर्म करता है उसे नरक में तो जाना पड़ता है भैया, इसलिए जो पाप करेगा उसे तो नरक में निश्चित ही जाना है। राजा परीक्षित ने पुनः प्रश्न किया है, किसी भी प्रकार से जटिल कठिन से कठिन उपाय नरक में जाने से बचने का हो आप हमें बताने की कृपा करें। स्वामी सुखदेव जी ने बहुत सुंदर कहा है यहाँ पर, राजन नरक में जाने से बचने का तो एक ही साधन है और वह साधन यह है केवल प्रायश्चित करना। अगर प्रायश्चित कर लिया जाए, जान करके या अनजाने में हमने जो गलतियां की हैं उन गलतियों का प्रायश्चित कर लें भगवान के सामने, समर्पण कर दें तो ठाकुर जी की कृपा हो जाएगी, शायद है वह तुम्हें क्षमा कर देंगे और अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से प्रारंभ करना प्रारंभ कर दो। कभी कभी आपने देखा है कोई गलत कर्म करने के बाद में
हमें जेल में डाल दिया जाता है ना, और हम वहां उस जेल में पड़े पड़े प्रायश्चित कर लेते हैं और अपने संत विचारों पर आ जाते हैं। अच्छा काम, अच्छी संगति, किसी की भलाई करना और बहुत अच्छे प्रकार के हमारे अनुभवों पर जब हम आ जाते हैं तो वहां से हमें हमारी समय सीमा से पहले ही छोड़ दिया जाता है। बड़ा अच्छा आदमी है भैया, अच्छे विचार हैं, कोई बात नहीं, समय से पहले मुक्त कर दिया जाता और छोड़ दिया जाता है। लेकिन अब भैया ऐसा मत करना, वैसे ही परमात्मा के साथ में अगर कर लिया जाए, ठाकुर जी को सर्वस्व समर्पण कर दिया जाए, जाने अनजाने में जो भी कुछ हुआ भगवान, लेकिन आज तुम्हारे पास में आ गए हैं, तुम्हारे समर्पण हैं हम, जो भी दंड देना है, सजा देनी है हमें आप दो, ऐसा प्रायश्चित कर लेने से परमात्मा क्षमा कर देते हैं। लेकिन बशर्ते प्रायश्चित के बाद में फिर उसी दलदल में जाने का प्रयास न किया जाए। ऐसा नहीं आज ठाकुर जी ने क्षमा कर दिया, जेलर ने निकाल दिया जेल से, भाई बहुत अच्छा भला आदमी था, कम सजा करके बाहर कर दिया, और फिर उसी कर्मों में आ जाओ, फिर लग जाओ, फिर चले जाए ना, और फिर पकड़े जाए तो फिर वह समझ जाएगा इसका तो यह नाटक है, रोज का बहाना है। ऐसे ही परमात्मा भी जान जाएगा, इसलिए भगवान को मनाना है तो फिर प्रायश्चित करने के बाद बिल्कुल सरलता का जीवन यापन करना है। परीक्षित जी ने कहा ऐसा कोई दुरागामी दुष्ट आत्मा हुआ है जिसने, जो नरक में जाने वाला हो और भगवान के प्रायश्चित करने से, परमात्मा के सानिध्य में आने से वह मुक्ति को पाकर के भगवान के धाम गया हो, कैसे विश्वास हो हमें? इसलिए आप हमें कुछ बताने का प्रयास करें गुरुदेव। स्वामी सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर कहा, ऐसा एक भक्त है, कान को चे ध्वज काक्षी काक्षी जाति पर जामिला नाम्रा नष्ट सदाचारो दास्याह ससर्ग दूषितः। कान्यकुब्ज प्रदेश में एक अजामिल नाम का श्रेष्ठ उपासक था, जो नित्य प्रतिदिन होम करता था, गायत्री उपासना करता था, बहुत ही भगवान का भक्त था। यह प्रतिदिन जंगल में समधा लेने जाया करता था भैया, लेकिन एक दिन यह जंगल में समधा लेने के लिए गया और वहीं एक बैसा का उभरा हुआ तन देख करके यह उस पर मुक्त हो गया और उसे समझा बुझा करके अपने घर ला करके अपनी पत्नी बना लिया। लेकिन यह भजन करने के लिए बैठा हुआ था, एक दिन झोली माला हाथ में लेकर के भजन कर रहा था, वही बैस्या उसकी जो पत्नी बन गई है आज, उसने आकर के पीछे से धक्का दिया, अरे ओ यो ही झोली माला लेकर के भजन करना था आपको, तो फिर मुझे लेकर के क्यों आए थे, आखिरकार क्यों मुझे लाए? आज अपनी पत्नी कुछ करना ही नहीं था आपको, तो अब तो उसने वह झोली माला उठा करके रख दी, माथे पर काला पटका बांधा, काला तिलक लगा लिया है, घर से बाहर निकल गया। बेचारे ने आज तक कोई भी गलत कार्य किया नहीं था, इसलिए बड़ी समस्या, करे तो क्या करे, भाग्य बस कोई छोटी चोरी करने का प्रयास किया और देखिए उस चोरी में यह सफल हो गया। आज छोटी चोरी की, कल उसके बाद में और बड़ी चोरी की, उसके बाद और बड़ी की, और धीरे धीरे यह बहुत बड़ा चोर बन गया आज। और उसने कहा यह चोरी करने से कोई आनंद नहीं आता, इसलिए यह डाका डालना प्रारंभ कर देता है, कहीं छोटा डाका, फिर उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, बहुत बड़ा डाके डालने वाला डाकू बन गया है। नंगी तलवार हाथ में रखता है, काला टीका, काला पटका माथे से बांधे रहता है, जीव जंतुओं को शिकार करके मार देता है और खा जाता है, बहुत बड़ा पापी हो गया है। लेकिन सुखदेव जी ने कहा एक बार इसके नगर में कुछ महात्मा संत एकत्रित हो गए, जो जमात के साथ में कहीं जा रहे थे बेचारे, पहले जमातें बहुत चलती थी महात्मा साधुओं की, कभी वृंदावन से अयोध्या, अयोध्या से वृंदावन, ऐसे ही जमात जा रही थी, और उसी गांव में वही साधुओं ने आज गांव से बाहर बैठे हुए व्यक्तियों को पूछा,
भैया यहाँ कोई धर्मशाला, कोई महात्मा जी, कोई साधु, कोई निर्मल पावन आश्रय, हमारे ठाकुर जी का भोग लगे, हमें आश्रय मिल जाए, ऐसा कोई स्थान है? उन्होंने कहा भैया ऐसा हमारे गांव में कोई व्यवस्था नहीं है, आप आगे बढ़ जाओ। अब उन्होंने देखा ये 25-30-50 लोग हैं, कैसे व्यवस्था बनेगी इनकी? वो निर्दयी लोगों ने कहा आगे बढ़ जाओ, लेकिन उन्होंने कहा भैया अंधेरा होने जा रहा है, संत कुछ वृद्ध भी हैं, आप बताओ, सोचो विचार करो, कोई तो होगा। अरे कोई देवालय आश्रय है, धर्मशाला, संत महात्मा ब्राह्मण, कोई संत पुजारी भगत जी कोई? उन्होंने कहा ऐसे नहीं मानेंगे ये लोग, इसलिए कह दिया यहाँ पर एक ही व्यवस्था है आपके लिए। क्या? हमारे गांव में एक अजामिल भगत जी रहते हैं, आप उनके पास चले जाओ। साधु ने कहा बहुत अच्छी बात है। और वो देखिए बड़े प्रेम बड़े आनंद से हरि कीर्तन करते हुए अजामिल के घर तक उन्हें छोड़ गया, यही सामने वाला घर है। गुरुदेव ने जाकर के दरवाजा खटखटाया, अजामिल तो घर पर नहीं था लेकिन उसकी पत्नी घर पर थी। और जैसे ही पत्नी ने महात्मा साधुओं को देखा, उनकी आंखों से अश्रु निकला। वाह, आज मेरा सौभाग्य है, आज मुझे संतों का दर्शन हुआ है। भैया महात्मा जी ने कहा बेटी ये अजामिल भगत जी का घर है ना? लेकिन वह अजामिल की पत्नी कह रही है नहीं, ये अजामिल भगत जी का घर नहीं है। उसने कहा मैंने पूछा है, मुझे बताया गया है इस गांव में एक ही तो भगत जी है बस, और वो अजामिल भगत जी, और तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारे पति अजामिल भगत जी है ना? उसने कहा गुरुदेव मेरे पति अजामिल और भगत जी नहीं है। हाँ मेरे पति का नाम अजामिल है, यह घर अजामिल का जरूर है, लेकिन भगत जी का नहीं है। और उसने पूरा वृतांत सुना दिया है कि मेरे पति क्या करते हैं, कैसे हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, सारा वृतांत। अब तो महात्माओं ने सोचा हमारे साथ में इन गांव वालों ने बहुत उपास किया है, इन लोगों ने उपास किया हमारे साथ, इसलिए बेचारे छोड़ करके जा रहे थे, लेकिन उस वैश्या का मन पवित्र हो गया उन्हें देख करके आ गया, और दौड़ करके गई बेचारी आगे जाकर के हाथ फैला करके रोक लिया, गुरुदेव रुक जाइए आप। बचपन में मेरी माँ मुझे कहा करती थी कभी कि कभी ब्राह्मण और संत मिल जाएं तो उनके साथ झूठ मत बोलना। और भगवान मैं ये देख रही हूँ कि आप में बहुत से संत व्रत हैं, आगे आने वाला गांव दूर है, कैसे मार्ग तय करोगे आप? अंधेरा हो जाएगा, रात्रि हो जाएगी, इसलिए अपने ठाकुर जी का भोग आप यहीं लगाओ। और गुरुदेव मैं तो सत्य कहती हूँ यह कि मैं इतनी पवित्र नहीं हूं कि आप के ठाकुर जी का भोग बना करके दे सकूं। और गुरुदेव मेरी रसोई या मेरा घर भी इतना पवित्र नहीं है कि मैं अपने घर की रसोई का कोई सामान और कोई अपने रसोई में आपके लिए सामग्री बना पाऊं। लेकिन मैंने सुना है अगर मैं तुम्हारे व्यवस्था कर दूं और आप अपने स्वयं ही हाथों से यहाँ अपने ठाकुर जी का भोग बना लें तो उसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उसका प्रेम, उसका दुलार, उसका प्यार देख करके आज गुरु जी ने हाँ कह दिया है, और वहीं शिविर लगा दिया, वहीं डेरा जमा दिया। उसने जैसे तैसे व्यवस्था की उन लोगों के लिए सूखी सामग्री की, और आज दे दिया। शिष्यों ने बहुत अच्छी प्रकार से वो भोजन वो प्रसाद बनाया है, और ठाकुर जी को भोग लगा करके गुरुदेव के पास में आए, गुरु जी भोजन ग्रहण कर लो, प्रसाद ग्रहण कर लो। लेकिन गुरु जी ने आज एक निवाला लिया और खाना प्रारंभ जैसे किया, उनकी आंखों से अश्रु बहने लगा। शिष्यों ने कहा गुरुदेव क्या बात हो गई, क्या परेशानी है? वो जब निवाला रख दिया, उन्होंने नहीं खाया तो पूछ रहे क्या परेशानी है, क्यों नहीं खा रहे हैं आप, पाओ ना प्रसाद। गुरुदेव ने कहा बेटा मैं सजामिल जैसे पापी का अन्न ग्रहण करने जा रहा हूँ, लेकिन सुनो मैं विचार में पड़ गया हूँ कि ऐसी कौन सी बात, ऐसा कौन सा ज्ञान, ऐसा कौन सा उपदेश मैं इसे देकर जाऊं जिससे यह सत मार्ग पर आ जाए। एक शिष्य कहने लगा गुरुदेव वह तो मैं बता दूंगा आपको।
अजामिल तुम्हारे पास में आए ना तो उसे बोल देना भैया तू ब्राह्मण है, गायत्री उपासना किया कर, होम किया कर। गुरुदेव ने कहा वो नहीं करेगा ऐसा। दूसरा शिष्य कहने लगा गुरुदेव अजामिल अगर तुम्हारे पास में आए ना तो उसे पकड़ लेना और कहना भैया रोज प्रातः काल स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के सुंदर मन बना करके सुंदर कांड का पाठ किया कर। गुरुदेव ने कहा जो लंका कांड करता है वह सुंदर कांड कैसे करेगा? अजामिल का ध्येय लंका कांड करना है, सुंदर कांड कैसे कर सकता है? अब तो बेचारे शिष्य चले गए, अब हम क्या करें फिर? जैसे तैसे व्यवस्था बनाई, उन लोगों ने अपना कार्य किया, विश्राम किया हर कीर्तन करते हुए, लेकिन रात्रि का 12 बजा और अजामिल लौट करके घर पर आया। बहुत से पंछी आगे लटके हुए हैं, पीछे लटके हुए हैं, बड़ा सा पोटला सर पर रखा हुआ है, आंखें बड़ी लाल लाल हो रही हैं, नंगी तलवार हाथ में। आकर के महात्मा साधुओं को देखा ना तो एकदम भयभीत हो गया है, वो चिल्लाने लगा जोर जोर से, क्यों आए, किसने बुलाया, यहाँ आने का दुस्साहस तुमने कैसे किया? लेकिन आज सारा गांव सन्नाटे में है, कोई निकल के नहीं आता है, सभी सोए हुए हैं। उनकी पत्नी घर से बाहर निकल के आई, देखा कि बहुत जोर जोर से महात्मा साधुओं पर यह भड़क रहा है। पत्नी ने आकर कहा अरे ओ बुद्धि खराब हो गई है तुम्हारी, दिमाग नहीं है बिल्कुल भी, सारा गांव सो रहा है और आप ये संतों पर इस भांति चिल्ला रही हो, भड़क रही हो, क्यों, किस कारण, इन्होंने क्या गलत किया है, क्या गलती की है इन्होंने? लेकिन सज्जनों आज पत्नी ने आंखें निकाल करके यूं ही अजामिल को जैसे ही कहा, बेचारा ये अजामिल चुपचाप शांत रूप से घर में अंदर चला गया, और अंदर घर में चला तो गया लेकिन प्रातः काल या पत्नी से पहले जाग करके आ गया। और महात्मा साधु जन ये सभी बड़ा ध्यान में मग्न थे प्रातः, और उनकी ओर देख लेता है, अभी भी नहीं गए आप लोग, अभी भी यहीं हो, चले जाओ, लेकिन घर की तरफ देख लेता है, फिर साधु महात्माओं की ओर देखता है, ऐसा भी डर है कि कहीं पत्नी निकल के ना आ जाए, बहुत डरता है। लेकिन गुरुदेव ने कहा भैया अजामिल हम चले जाएंगे, लेकिन एक बात हमारी सुन लो, तुम्हारी पत्नी के द्वारा हमारे भोजन की व्यवस्था को बनाया गया है। ये साधु महात्मा संतों को जब तक दक्षिणा नहीं दी जाएगी तब तक इनका चले जाना और तुम्हारा भोजन कराना बेकार व्यर्थ है।